हिमालय के गोमुख से शुरू होकर गंगा सागर तक बहने वाली गंगा हमारे लिए एक जीती जागती सभ्यता है और इस सभ्यता पर अब कई खतरे मंडरा रहे हैं। बीते कई दशकों से गंगा को स्वच्छ निर्मल बनाने के प्रयास चल रहे हैं, पर सच ये है कि गंगा जी अपने मायके में ही प्रदूषित हो रही हैं। गंगा स्वच्छता कैसे मुहिम के पड़ताल करने के लिए आपके अपने न्यूज़ चैनल एमकेएन न्यूज़ ने पड़ताल की तो उत्तरकाशी में ही दीवारों पर पेंटिंग पोस्टर के साथ ही कागजों में ही गंगा स्वच्छता के तमाम दावे हो रहे हैं, जो स्थानीय प्रशासन के नाकामी का जीता जागता उदाहरण है। प्रदेश में आगामी 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा विधिवत रूप से शुरू हो जाएगी, जिसमें लाखों श्रद्धालु माँ गंगा के दर्शनों के लिए गंगोत्री धाम पहुँचेंगे। लेकिन गंगोत्री से गंगा सागर तक बहने वाली गंगा नदी के किनारे जगह जगह कूड़े के ढेर के साथ ही नदी नाले सीधे नदी में प्रभावित हो रहे हैं और जो गंगा के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। दीवारों में सफाई भी स्वच्छता भी हो सफाई हो ठीक है, लेकिन मैंने तो पहले भी लगातार इस बात को कहा है कि जो आप 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ के घाट बना रहे हैं गंगा घाट, आप हम बनाओ उन घाटों को। आप जो गंगा जी में सीधा गंदगी जा रही है, गंदे नाले जा रहे हैं, सीवरेज जा रहा है या नालियाँ जा रही है, उनको आप सही उनकी व्यवस्था करो कि ताकि सीधा गंदा पानी गंगा जी में जा पाए। और नदी किनारे अगर पेबल्स जो पत्थर पड़े रहते हैं ना, वो भी पड़े रहेंगे, साफ़ सुथरे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सुंदर लगेंगे।